ख्याल में बड़ा खुशो खुर्रम रहा है जिंदगी में, दुनिया में, हराम से दिन भर की मेहनत करके। देखिए एक बात आपको बता दूं, अगर आप अल्लाह के दीन का हक अदा नहीं कर रहे तो चाहे 100% हलाल से कमा रहे, हराम खा रहे, इसलिए अल्लाह के दीन का हक आपने अदा नहीं किया। वो जो गसब किया जा रहा है अल्लाह का हक, वो कहां जाएगा जब तक कि आप वो हक अदा न करें जो दीन का है। इस एतबार से समझ लीजिए, हराम और हलाल यही नहीं है, हराम और हलाल के बड़े मरातिब हैं। एक हराम खोर वो है जो सुअर खा रहा है, आपने कहा बहुत, ये तो छी 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 सुअर खा रहा है, हराम सबको मालूम। एक वो है जो खा रहा है बकरी का गोश्त, बकरी भी खुद जिबा की है ताकि कसाई का भी मामला को खराब ना हो जाए, लेकिन ये कि वो बकरी खरीदी है किसी की जेब काट के, तो क्या खा रहा है, हलाल के हराम, इसको बढ़ाते जाइए। बातिल के गलबे के तहत सांस लेना भी हराम है, यू हैव रिकंसाइल्ड, तुमने बातिल को तस्लीम कर लिया, ज़हनन क़ल्बन ताग़ूत को तस्लीम कर लिया है, तुम्हारा जीना हराम, तुम्हारा सांस हराम। इल्ला ये के तन मन धन, अपनी सलाहियतों का सिर्फ मिनिमम रखा जाए अपने लिए और मैक्सिमम जो है खर्च कर दिया जाए उस निजाम को बदलने के लिए, वो उसका कफारा हो जाए। वरना यह कि वो आप नाप तोल करके तो हलाल खा रहे हैं लेकिन जिस निजाम बातिल की आप चाकरी कर रहे हैं, जिसकी मुलाजमत कर रहे हैं, जिसे सपोर्ट कर रहे हैं, बड़ी तनख्वाह मिली है, वर्ल्ड बैंक की किसी ब्रांच में जो है मैनेजर लग गए हैं, किस निजाम को आप चला रहे हैं, बहरहाल वो बात लंबी हो जाएगी। लेकिन वो दुनिया में खुशोखुर्रम था, अच्छा खिला रहा था, दूध मलाई रबड़ी अपने बच्चों को, हर वक्त आ रहा है तो नई चीजें लेकर आ रहा है, विलायत से आ रहा है तो एक एक बच्चे को बुलाकर तुम्हारे लिए ये लाया हूं, तुम्हारे लिए ये लाया हूं, वो दुनिया में वो खुशियां ले आया, अब यहां कुछ नहीं है। वो अल्लाह का बंदा जो दुनिया में डरता रहा, इन्ना कुन्ना फी अहदिना मुशफिकून, हम तो डरते थे क्या होगा अल्लाह के हुजूर में कुछ खड़ा होना होगा, उनके लिए यहां आया, अनकलेबो इला अहले ही मसरूरा, अब वो लौटेगा अल्लाह की अदालत की कटहरी से अपने घर वालों की तरफ तो खुश खुर्रम होगा। और ये जो है ये दुनिया में खुश खुर्रम रहा था अपने अहलो आयाल में, इन्नहू कान फी अहले ही मसरूरा, इन्नहू जन्ना अल्लाह यहूर, उसको गुमान ये हो गया था कि लौट कर आना नहीं है, हमारे पास आना नहीं, बला क्यों नहीं, इन रब बहु काना भी बसीरा, यकीन उसका रब तो उसे देख रहा था, हर आन देख रहा था, उसकी निगाह में था।